हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वीकडे नेम फॉर्मूला हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे डेट लिखी हुई है। इस डेट से हमें कोई मतलब नहीं, हम यहां पे वीकडे फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। तो यहां पर सीधा चलेंगे कहां, क्वेरी डिजाइन में। ठीक है, क्वेरी डिजाइन में जाने के बाद यहां से आपको जिनकी भी जरूरत हो यहां पे ले सकते हैं, या फिर दोनों अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर वीकडे फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो है डे बताएगा हमें कि कौन सा दिन है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वीक नेम फॉर्मूला जो है हमें लगाना है, लगा दिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे आप जैसे एक्सेस क्या करता है कि अगर वन लिखेंगे तो सपोज करेगा कि वो मंडे है, टू लिखेंगे तो ट्यूजडे, थ्री तो ऐसे करके ये करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो अगर मैं यहाँ पे वन लिखता हूँ तो इसका वन लिखने का मतलब है मंडे, और यहाँ पर ट्रू लिखता हूँ, ठीक है, कॉमा दूंगा और यहाँ पर वन लिख देता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, और अब यहां से ओके प्रेस करता हूँ नेम। ठीक है, अब ये फॉर्मूला ओके हो गया। अब यहां से ओके प्रेस कीजिए तो यहां पर देख सकते हैं ये इस तरीके से संडे लिखा हुआ है। हम ऐसा तो नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर 1, 2, 3 के फॉर्म में जो कुछ भी लिखें वो अपने आप संडे, मंडे या ट्यूसडे देता जाए। तो ऐसा कैसे होगा, तो यहाँ पर डिजाइन व्यू पे इसे ले लेते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक और यहाँ पे डेटा लिखना है। लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो एक यहाँ अगर नंबर यहाँ डेटा टाइप चूज करूंगा नंबर, ठीक है, और यहाँ पे वन लिखूंगा तो इसका मतलब होगा मंडे, टू लिखूंगा ट्यूजडे, ऐसे करके होगा ये। और यहां से ओके प्रेस करता हूं, कर दिया। अब यहां पर हम चाहते हैं कि ये जो भी डे हो उसके अकॉर्डिंग यहां पे आ जाए। और एक काम और करते हैं, इस वाले डेट की हमें कोई जरूरत नहीं तो इसको हटा देते हैं, इसको कट कर देते हैं यहां से, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। यहां पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए इसको पहले सेव कर लेते हैं और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ 1, ठीक है, यहाँ 2 लिखता हूँ, यहाँ 5 लिखता हूँ, यहाँ 4 लिखता हूँ, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। ये नंबर ऑफ डेज हमने लिया है। अब क्रिएट पे चलते हैं और चलते हैं क्वेरी डिजाइन पे और यहां से ऐड करवा लेते हैं इसको, ऐड करवा लिया। अब यहाँ पर डबल क्लिक किया हमने और यहाँ पर इसको ले आकर के ड्रैग कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें रखना है कर्सर को, यहाँ लिखता हूँ मैं नेम ऑफ द डे। ठीक है, अब नेम ऑफ द डे लिख दिया हमने, कोलन लगा लीजिए, वीक डे नेम, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वीक डे नेम। ओके, यहां से आप स्मॉल ब्रैकेट बना लीजिए और ये है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, आप यहां पर कर्सर रख करके और स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और लिखना है आपको नंबर ऑफ डेज, लिख लिया। अब आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है, लगा लिया। अब आपको यहां पे लिखना है ट्रू, लिख दिया और कॉमा दे करके यहां 1 दे देता हूं मैं और इसको क्लोज कर देता हूं। ठीक है, इतना करने के बाद यहां से ये प्रेस करना है। अब यहां पर कोई नंबर हमने नहीं दिया तो यहां पर एरर आ रहा है, बाकी सब में आप देख सकते हैं ट्यूसडे, संडे, मंडे, ईटीसी करके आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पे 5 देता हूं तो क्या होगा, ये देख सकते हैं थर्सडे आ गया अपने आप। अगर मैं यहां पे 4 देता हूं तो क्या होगा, यहां पर वेडनेसडे आ गया। अगर मैं यहां पे 5 देता हूं तो क्या होगा, यहां पे थर्सडे आ गया। ठीक है, अब 6 देके देखते हैं, 6 तो यहां पे फ्राइडे आ गया। 7 देंगे तो क्या आएगा, सैटरडे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये करके आएगा। अगर 8 देते हैं तो क्या होगा, यहां पे कुछ नहीं आएगा, एरर आएगा। ठीक है, आपको 7 तक ही देना है क्योंकि एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी चीज को आप यहां से भी जाके कर सकते हैं, आप इसको फॉर्म व्यू में ले लें तो भी यही चीज आप कर सकते हैं। क्वेरी 1 के नाम से सेव कर लेता हूं और ये फॉर्म व्यू में आ जाएगा, ये देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।